आज पर एक ही काम रह गया है, मतलब सूट एंड स्कूट जो कहते हैं कि कुछ झूठ बोलो और उस पर लोगों को भरमाओ। अब देखिए उनको शायद समझ नहीं होगी, अगर समझ होती तो उस कैबिनेट के स्वयं वो सदस्य थे जिसमें ये पास किया गया था। एक तरफ बैठ के मलाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ अराजकता का समर्थन भी कर रहे हैं। ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछना चाहिए। SC ST में आरक्षण को लेकर के विपक्ष आज सड़कों पर है, भारत बंद का आह्वान किया गया था, साथ ही NDA में शामिल चिराग पासवान ने इसका समर्थन किया। वहीं विपक्ष द्वारा सड़क पर उतरने को लेकर के MLC सस्तानंद राय खूब भड़क गए, साथ ही चिराग पासवान को भी खूब सुना। आपको बताते चले कि विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर ये निशाना साधा जा रहा है कि विपक्ष जो है SC ST आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, जो लोगों को यानी चाहती नहीं केंद्र सरकार कि ये लोग आगे बढ़े, जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके हकमारी करना चाहती केंद्र सरकार। इसको लेकर के सस्तानंद राय ने विपक्ष को भी खूब लपेटा है, खूब सुना है। सुनाते हैं आपको सस्तानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं। अब इस बात का जवाब तो वही दे सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके तुरंत बाद NDA की सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक से इस बात को तय कर दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, और इसीलिए क्रिमिनल एयर का मामला तो वही समाप्त हो गया था। अब इनको एक मुद्दा बनाना है किसी तरह से जबरदस्ती झूठ बोल बोलकर। आज पर एक ही काम रह गया है, एकदम मतलब सूट एंड स्कूट जो कहते हैं कि कुछ झूठ बोलो और उस पर लोगों को भरमाओ। ये भारत बंद किस लिए किया गया अगर पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई क्रिमिनल की तो बात ही नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल की बात कही है और न प्रधानमंत्री ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर सब कोटा की बात की थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं वो भी नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान है वो अक्षुण रहेगा, जैसे आरक्षण पहले था वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है, ये आकर विपक्षियों से पूछिए क्या ये काम क्यों कर रहे हैं वो लोग। अब देखिए उनको शायद समझ नहीं होगी, अगर समझ होती तो उस कैबिनेट के स्वयं वो सदस्य थे जिसमें ये पास किया गया था, फिर तो उन्हीं से पूछिए क्या कि किस चीज का समर्थन दे रहे हैं वो। एक तरफ बैठ के मलाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ अराजकता का समर्थन भी कर रहे हैं। ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछना चाहिए। देखिए हर किसी का अपना अपना विचार हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन निर्णय कैबिनेट का ये है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वही सत्य है, बाकी सारी बातें कोरा कोरा गप है। तो आपने सुना किस तरीके से भारत बंद के आह्वान को लेकर के जहां विपक्ष सड़कों पर आज उतरा था और खूब नारेबाजी भी हो रही थी केंद्र सरकार को लेकर के, लेकिन वहीं MLC सस्तानंद राय ने विपक्ष को खूब सुना है, वहीं चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा है, साफ साफ उन्होंने कर दिया। आखिर में किस बात का वो समर्थन कर रहे हैं, वो तो वहाँ पर मीटिंग में थे ही, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि आखिर में मलाई खाने वाले लोग इस तरीके की बात क्यों करते हैं। उन्होंने चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा है, साफ साफ कह दिया कि आखिर में वहाँ तो मलाई खा रहे हैं वो, दूसरी तरफ ये भारत बंद का कैसा समर्थन करते हैं। आपको बताते चले कि आज तरफ जहाँ विपक्ष जो है समर्थन किया था SC ST समाज का, जो आज प्रदर्शन किया जा रहा था आरक्षण को लेकर, उसका विपक्ष जो समर्थन किया था, RJD के तमाम जो नेता थे सड़क पे आह्वान किए थे कि उतरने को लेकर के कि ये सरकार जो है दलितों का हक मारना चाहती, आरक्षण खत्म करना चाहती, इसको लेकर के सस्तन राय ने खूब सुनाया, साथ ही चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।